नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गेहूं साप्ताहिक चर्चा पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पिछले पूरे हफ्ते कैसा रहा गेहूं बाजार का रुझान और दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और ब्लैक सी ग्रीन डील को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, और वहीं डिटेल में जानेंगे क्यों पिछले हफ्ते गेहूं बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखी। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जहां हमारे एक्सपर्ट्स ने गेहूं बाजार के आगामी दिनों पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली लाइन में गेहूं के भाव स्थिर ही दिखे, वहीं ओवरऑल गेहूं बाजार की स्थिति अभी भी मजबूती की ओर इशारा कर रही है। पिछले 14 दिनों से आटा, सूजी और मैदा के भाव स्थिर ही पड़े हैं। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को दिल्ली में गेहूं के भाव 2,540 रुपए प्रति क्विंटल पर खुले थे और शनिवार को यह 2,535 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए। बीते सप्ताह के दौरान गेहूं में मांग न रहने के कारण 5 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। बीते सप्ताह के दौरान दिल्ली लाइन में आवक कुल 26,500 क्विंटल पर रही। ये आवक पिछले सप्ताह की तुलना में 5,500 क्विंटल से घटी हुई है। G20 सम्मेलन की वजह से दिल्ली में बड़ी वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा था। शुक्रवार से ही दिल्ली लाइन में गेहूं की आवक नहीं रही और भाव में भी इसका असर देखने को मिला है। वहीं FCI ने बीते सप्ताह 11वें टेंडर में कुल 1.65 लाख टन गेहूं की बिक्री करी है और वहीं अगला टेंडर 13 सितंबर को रखा गया है। आइए समझते हैं कि G20 सम्मेलन में क्या बड़ी बातचीत हुई है जिसका असर गेहूं आयात और निर्यात पर पड़ सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस ऐप में आप देश भर की मंडियों से गेहूं के ताजा भाव देख सकते हैं और बाजार की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं G20 सम्मेलन में विश्व लीडर्स ने ब्लैक सी ग्रीन डील पर क्या बातचीत करी है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जो कि G20 लीडर्स समिट के दौरान जारी हुआ, उसने खाद्य महंगाई को संभालने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक ग्रीन सी डील को फिर से शुरू करने की मांग रखी है। इसके समर्थन में टर्किश प्रेसिडेंट ने ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को पुनः शुरू करने में उम्मीद जताई है और इस पर महत्वपूर्ण जोर भी दिया है। वही MSP में बढ़ोतरी की खबरों में सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि अगले सीजन में MSP चालू वर्ष की तुलना में 8% से अधिक बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल पर की जानी चाहिए, ताकि अधिक मात्रा में फंसी स्टॉक किसानों से ली जा सके और बफर स्टॉक को मेंटेन किया जा सके। सितंबर की शुरुआत में कुछ राज्यों में गेहूं की आवक का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि किसानों के पास माल है तो सितंबर के आखिरी या अक्टूबर की शुरुआत में निकल जाना चाहिए। वही साउथलैंड के मिल्स में भी गेहूं की डिमांड बढ़ी है और इसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश से की जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आज कीमतों में तेजी दिखेगी या गेहूं बाजार स्थिरता पकड़ चुका है। इसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे की तेजी आटा और मैदा की डिमांड पर काफी निर्भर करती है। जैसे ही बाजार में डिमांड उठेगी, गेहूं बाजार फिर मजबूती दिखाएगा और कीमतों में उछाल देखने को मिल सकती है। वहीं 2024 के केंद्र इलेक्शन के कारण सरकार का कीमतों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी बन चुका है और सरकार गेहूं बाजार पर अपनी पूरी नजर बनाए बैठी हुई है, और यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि गेहूं के दामों में बढ़ोतरी नहीं दिख रही और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि गेहूं के दाम आगे भी तेज ना हो। आपकी इसमें क्या राय है आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ हमारी गेहूं बाजार पे आज के साप्ताहिक चर्चा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे गेहूं बाजार की और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए डाउनलोड करें हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप और याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।